हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूँ। ये ट्वेल्थ की फिजिक्स में हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़ चुके हैं, संधारित्र की धारिता जान चुके हैं। संधारित्र के अंदर कोई अगर परावैद्युत पदार्थ हम लोग रखते हैं तो किस तरह से उसकी धारिता प्रभावित होती है, इन सब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर पट्ट संधारित्र। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट संधारित्र, इसकी धारिता पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले ये हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र है क्या, कैसे बना। तो ये देखिए, एक फिगर आपके सामने है। इसमें एक्स और वाई, ये दो प्लेटें ली गई हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं और एक दूसरे के समांतर हैं। इन्हें एक विद्युतरोधी स्टैंड में लगा दिया गया है। इस प्लेट एक्स को ये धनात्मक आवेश दिया गया, इसके प्रेरण से जो वाई प्लेट है, इसका ये जो पहला सतह है ये ऋणात्मक उतने ही आवेश से प्रेरित हो जाएगा, और जो इसकी दूसरी सतह है ये उतने ही धनात्मक आवेश से प्रेरित होगा। और इस आवेश को, मतलब इस प्लेट को, हम एक तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ देते हैं, मतलब अर्थिंग कर देते हैं। ये सारे धनावेश ये पृथ्वी में चले जाते हैं और इस तरह से इन प्लेटों के बीच की धारिता हम और बढ़ा सकते हैं। प्लस से माइनस की तरफ ये तीर का जो निशान दिखाया गया है ये वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। अब ये हम मान लेते हैं कि माना यक्स प्लेट पर जो आवेश है इसका मान Q है, ठीक है, और प्लेट का क्षेत्रफल A है। तो माना में आप लोग लिख लेंगे क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल A क्या होगा, प्लेटों का क्षेत्रफल सपोज कर लेते हैं A जो है ये प्लेटों का क्षेत्रफल हो गया। Q ये प्लेटों पर आवेश, प्लेटों पर ये आवेश की मात्रा हो गई। तो मान लेते हैं कि x जो प्लेट है इस पर हम लोगों ने धन q आवेश दिया है और a ये इस प्लेट का क्षेत्रफल हो गया, उतना ही y प्लेट का भी क्षेत्रफल हो गया। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो सिग्मा का जो मान है ये है आपका Q बाई A, एकांक क्षेत्रफल में आवेश का मान, ये पृष्ठ घनत्व कहलाता है। तो ये वैल्यू है आपकी Q बाई A, ये हो गया आपका पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व और d जो है इन प्लेटों के बीच की दूरी है। d क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। सबसे पहले क्या हम प्रतीक यूज करेंगे इसका मतलब हमें जानना जरूरी है। अब देखिए, यदि इन प्लेटों के बीच वायु या निर्वात है, तो जब वायु या निर्वात है तब इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले यही देखते हैं कि जब प्लेटों के बीच वायु या निर्वात है तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम E जीरो से इसको लिखते हैं तो E जीरो बराबर क्या है, सिग्मा बाई एप्साइलन जीरो। अब देखिए, यदि इन्हीं के बीच हम
कोई के माध्यम का परावैद्युतांक रख दें। क्या क्या के क्या होगा? माध्यम का परावैद्युतांक, ये लिख देते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। तो यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दें, अगर हम प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दें, तो E बराबर क्या हो गया? सिग्मा बाई के एप्साइलन जीरो। परावैद्युत पदार्थ रखने पर क्षेत्र की तीव्रता के गुना आपका कम हो गया। सिग्मा का मान कितना है? क्यू बाई ए, तो हमने लिख दिया क्यू बाई के एप्साइलन जीरो ए। ये एक हमने समीकरण कर लिया। अब इतना जो है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो परावैद्युत पदार्थ रखा इसके कारण हुआ, और इन प्लेटों के बीच यदि विभवांतर V हो, V क्या हो? प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। तो यहां लिख देते हैं, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तो E बराबर होता है V बाई डी। E बराबर क्या हो गया आपका? V बाई डी। E का मान यहाँ समीकरण एक से हम रख भी लेते हैं, या यहाँ से ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या V बराबर हो गया E इंटू डी, और E का मान समीकरण एक से रख दें, क्या है हमारा? Q बाई के एप्साइलन जीरो ए और इंटू यहाँ हो गया डी। यहाँ लिख दीजिए समीकरण एक से, समीकरण एक से हमने यहां मान रख दिया। अब यहां देखिए V बाई, ये Q को यहां ले आते हैं, तो V बाई आपका हो गया Q, V बाई Q बराबर क्या हो गया? यहां बचा आपका D, D बाई K एप्साइलन जीरो और इंटू A। अब इसी को हम उल्टा कर दें, Q बाई वी कर दें, Q बाई वी ये बराबर हो गया K एप्साइलन जीरो A और बाई डी। Q बाई वी ये क्या होगा? इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी। C बराबर Q बाई वी होता है, तो यहां हम लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये C, ये C बराबर क्या होता है? Q बाई वी, और Q बाई वी का मान हमारा क्या आया है यहां से? इसको हम समीकरण दो भी ले सकते हैं, तो आप लिख दीजिए समीकरण दो से, समीकरण दो से समांतर प्लेट संधारित की धारिता C बराबर क्या हो गई? K एप्साइलन जीरो A बाई डी, K एप्साइलन जीरो A और बाई डी। ये हो गया आपका जब माध्यम का परावैद्युतांक K है। अब निर्वात या वायु के लिए आप देखिए, निर्वात या वायु के लिए,
इसके लिए के का मान कितना होता है? एक होता है। तब हम लिख सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र निर्वात या वायु के लिए इसकी धारिता अगर हम सी जीरो लिखते हैं तो सी जीरो बराबर क्या हो गया? के का मान एक हो गया और ये हो गया एप्साइलन जीरो ए और बाई डी। तो ये हो गया आपका। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि सी बाई सी जीरो, सी बाई सी जीरो ये कितना हो गया? के। या इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं सी इक्वल्स टू बी के सी जीरो। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको अभी पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि के इक्वल्स टू बी सी बाई सी जीरो। यहाँ से हम लोगों ने परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक का परिभाषा भी लिखा था और इसको भी हम लोगों ने पिछले उसमें देखा था। लेकिन यहाँ हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस तरह से उसकी धारिता है इसके लिए हम लोग सूत्र का डेरिवेशन इस तरह से करते हैं। तो C इक्वल्स टू बी के एप्साइलन जीरो ए बाई डी और निर्वात में C जीरो इक्वल्स टू बी एप्साइलन जीरो ए बाई डी। अगर हम दोनों डिवाइड कर देंगे तो C बाई सी जीरो ये इक्वल्स टू बी के। इसका मतलब किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक है समांतर प्लेट संधारित्र में उस परावैद्युत पदार्थ को रखने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तथा निर्वात या वायु में उसी आकार के समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का अनुपात उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। C इक्वल्स टू बी के सी जीरो का भी हम लोग यूज करेंगे। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र है। अब आइए हम लोग जानेंगे कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र, अभी हम लोगों ने क्या रखा, जो माध्यम का परावैद्युत पदार्थ हम रख रहे हैं ये इस पूरे गैप में रख रहे हैं, मतलब पूरा डी भाग में रख रहे हैं। अब अगर पूरे डी भाग में ना रखा जाए, पतले भाग में रखा जाए, तब उसकी धारिता क्या होगी? आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। की धारिता जब उसके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्टली फिल्ड विथ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या है? बिल्कुल उसी तरह से है, एक्स वाई ये समांतर प्लेट संधारित्र ले लिया गया, लेकिन इसके बीच जो परावैद्युत पदार्थ है ये इन प्लेटों के बीच पूरा ना हो करके टी मोटाई का ही एक समांतर प्लेट संधारित्र के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा गया है जिसका परावैद्युतांक के है, जबकि प्लेटों के बीच की दूरी डी है। अब बाकी इस टी मोटाई के अलावा बाकी ये जो आपको भाग दिख रहा है इसमें क्या है? वायु है। इस भाग में क्या है? वायु है। और ये जो टी मोटाई वाला आपका ये ऐसे छायांकित दिख रहा है एक के परावैद्युतांक का कोई पदार्थ है। अब देखिए वायु, प्लेटों की वायु में दूरी क्या हुई? प्लेटों के बीच वायु की दूरी, प्लेटों के बीच वायु की दूरी, मतलब इन प्लेटों के बीच वायु कितनी दूर में है, तो डी प्लेटों की दूरी हो गई और स्मॉल टी मोटाई ये परावैद्युत पदार्थ रखा है, तो ये जो भाग बचा डी माइनस टी इतने भाग में क्या है? वायु है। डी माइनस टी भाग में क्या हो गया? वायु। और इस भाग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले यही समझते हैं, ये समझ लेंगे, बस समझ लीजिए ये पूरा डेरिवेशन आपको आ गया। इस भाग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपका E0 मान लिया, जो वायु है इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E0 हो गई, और के परावैद्युत, के परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कितनी हो गई? E मान लिया, ये मान लिया हमने।
अब देखिए, इस प्लेटों के बीच जो आपने वायुमय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी है, तो आप यहां लिखिए प्लेटों के बीच वायुमय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हम लोगों ने क्या माना है, E0, और E0 बराबर क्या हो गया, Q बाई एप्साइलन 0 ए। अब आप क्या लिखिए, के परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो इन प्लेटों के बीच में टी मोटाई का रखा हुआ है। ई बराबर क्या हो गया, क्यू बाई के एप्साइलन 0 ए। या हमने ये क्लियर कर दिया है, के ये परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। अब प्लेटों के बीच कितना विभवांतर होगा, प्लेटों के बीच विभवांतर, यहां अगर ये आप लिखना चाहें कि परावैद्युत पदार्थ की मोटाई, तो आप लिख सकते हैं परावैद्युत पदार्थ की मोटाई, ये परावैद्युत पदार्थ की मोटाई टी है, और प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी ये डी है, और क्यों इस पर प्लेटों पर चार्ज दिया जा रहा है, जो पिछले उसमें है वही है, तो इसको फिर दोबारा नहीं लिखते हैं, क्यों इस पर आवेश दिया गया है, और ए प्लेटों का ये क्षेत्रफल है। तो अब देखते हैं इस प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, प्लेटों के बीच विभवांतर। अब ये देखिए, हम लोग क्या लिखते हैं, E=V/d। अब V बराबर हो गया E × d, लेकिन अब ये d जो है ये दो तरह से है, और दो तरह से आपका E है, यही इतना समझना है हमको। क्या है कि E0 इतने भाग में वायु है, तो वायु कितने भाग में है, ये देखिए इसकी दूरी है आपकी d-t, और फिर प्लस कर दीजिए परावैद्युत पदार्थ कितने भाग में है, टी मोटाई में है, और इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई है, तो E × t हो गया। ये चीज हमारे समझ में आना चाहिए। तो प्लेटों के बीच विभवांतर हम यहां वी बराबर क्या लिखेंगे, ये वैल्यू लिखना होगा, और कैसे हम लोगों ने लिखा ये आपने जाना, क्या लिखना होगा, E0 d-t और प्लस E × t। अब ये जो हमको ई और ई जीरो की वैल्यू मालूम है, इसी को हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वी इक्वल क्या हो गया, क्यू बाई एप्साइलन 0 ए d-t, ये मान लिख दिया E0 की जगह पे, और प्लस E की जगह पे ये मान क्यू बाई के एप्साइलन 0 ए और × t, ये आपका स्मॉल टी हो गया। अब ये देखा जाए, क्यू बाई एप्साइलन 0 ए ये कॉमन है, तो थोड़ा सा सरल करके तब कॉमन करें, जैसे क्यू बाई एप्साइलन 0 ए × d माइनस क्यू, या रहने देते हैं यहीं कर लेते हैं, ठीक है, ये देखिए क्यू बाई एप्साइलन 0 ए ये कॉमन कर लिया जाए, तो क्यू बाई एप्साइलन 0 ए हम कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, d-t, और यहां से हमारा क्या बचा, क्यू बाई एप्साइलन 0 ए कॉमन हो गया, तो प्लस t/k। अब यहीं हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये आसान हो जाएगा। ये देखिए क्यू बाई एप्साइलन 0 ए ये हो गया, और d,
यहां से इन दोनों में t कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, प्लस यहां से अगर हम t कॉमन करते हैं तो आप देखिए t कॉमन करेंगे 1 बाई के आपका ये हो गया और माइनस ये 1 हो गया और इनटू ये t हो गया। ठीक है, क्या हो गया d प्लस d हो गया आपका और इन दोनों में हमने t कॉमन कर लिया तो 1 बाई के ये पॉजिटिव में बचा और माइनस ये t हो गया। अब ये देखते हैं कि जैसे ये तो v की वैल्यू आई, अब q बाई वी जैसे c बराबर क्या होता है हमारा q बाई वी, तो c बराबर q बाई वी ये वैल्यू हम लोग यहां लेते हैं। जैसे ये v बराबर हो गया हमारा q बाई एप्साइलन जीरो और ये वैल्यू, इसी तरह से हम इसको लिखना चाहें तो आप देखिए q बाई वी ये हो जाएगा हमारा एप्साइलन जीरो ए बाई डी प्लस 1 बाई के माइनस 1 और इंटू टी, और q बाई वी की जो वैल्यू है यही हमारे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी जिसे हम c से लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि c इक्वल हो गया एप्साइलन जीरो ए बाई डी प्लस 1 बाई के माइनस 1 और इंटू टी, ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से मतलब टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ हो। अब इसमें कंडीशन है, ये कुछ स्थितियां हम लोग यहां देखते हैं, विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां इसमें क्या स्थिति बनती है, पहला हम लोग लेते हैं जब ये पूरा का पूरा परावैद्युत पदार्थ इसमें भरा हो, जब प्लेटों के बीच पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा हो, जब प्लेटों के बीच पूरा परावैद्युत पदार्थ हो, तो जब पूरा परावैद्युत पदार्थ होगा तो क्या होगा, ये जो t का मान होगा यह d के बराबर होगा, तब क्या होगा t का मान ये d के बराबर होगा, ये कंडीशन हुआ। और ये इसमें रख देते हैं, आप देखिए जब t का मान ये d के बराबर होगा तो यहां हम दिखा दे रहे हैं आपको c बराबर हो गया एप्साइलन जीरो ए बाई डी प्लस 1 बाई के माइनस 1 और t की जगह पे भी हम d लिख दें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं एप्साइलन जीरो ए बाई डी प्लस ये d बाई के और माइनस d, ये माइनस d ये प्लस d कैंसिल हो गया और k ऊपर चला गया तो k एप्साइलन जीरो ए और बाई डी। तो जब ऐसा होगा तो धारिता क्या होगी, इस कंडीशन के लिए धारिता हो गई हमारी c बराबर k एप्साइलन जीरो ए और बाई डी, और यही हम लोगों ने अभी निकाला था कि जब k परावैद्युत पदार्थ हो पूरे भाग में तो c का मान k एप्साइलन जीरो ए बाई डी आएगा। अच्छा, अब दूसरा इसी में स्थिति ये देखते हैं जब प्लेटों के बीच वायु हो, मतलब के परावैद्युत पदार्थ हो ही ना, जब प्लेटों के बीच केवल वायु हो, वायु या निर्वात हो। अब वायु या निर्वात अगर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि t का मान शून्य हो गया,
कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा हुआ है, तो टी का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। अब टी का मान इस सूत्र में अगर हम शून्य रखते हैं तो सी बराबर क्या हुआ हमारा, एप्साइलन जीरो ए, और ये पूरी वैल्यू हमारी शून्य हो गई, तो ये बाई डी हो गया। इससे भी हम निकाल सकते हैं, या के का मान यहाँ एक रखें, तो यहाँ हमारी आवश्यकता है कि ये हमने जो सूत्र का डेरिवेशन किया है, क्या इससे इन मानों को हम ला सकते हैं, तो टी का मान शून्य हो गया, तो एप्साइलन जीरो ए बाई डी हो गया हमारा। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, सी का मान एप्साइलन जीरो ए और बाई डी हो गया। अब देखिए, अगर ये टी मोटाई का जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया है यह कोई धातु की प्लेट हो, तो अगर धातु की प्लेट रख दी जाए तो उसका परावैद्युतांक क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यदि कोई धातु का परावैद्युत पदार्थ रख, धातु की कोई प्लेट रख दी जाए, तो धातु की प्लेट रखने पर क्या होगा, उसका परावैद्युतांक इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट परावैद्युतांक के लिए आप देखिए, ये तीसरा कंडीशन ले लेते हैं हम, ये तीसरा कंडीशन है, जब प्लेटों के बीच टी मोटाई का धातु की प्लेट हो या धातु की पट्टी हो, तो जब धातु की पट्टी होगी तो के का मान क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब के का मान यहां इनफाइनाइट कर देते हैं, देखिए इसी को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, C इक्वल्स टू बी एप्साइलन जीरो ए बाई डी प्लस वन बाई के की जगह पे कर दिया इनफाइनाइट माइनस वन और इंटू टी, क्या हो गया आपका, एप्साइलन जीरो ए बाई डी वन बाई इनफाइनाइट जीरो हो गया और माइनस ये टी हो गया। तो C का मान कितना हो गया, C का मान हो गया आपका एप्साइलन जीरो ए बाई डी माइनस टी, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। अब चौथा हम एक कंडीशन लेते हैं, देखिए जब कई प्लेटें इसमें रखी हुई हों, मतलब पूरी प्लेटों के बीच में टी मोटाई का या अलग अलग मोटाई का टी वन टी टू टी थ्री ऐसी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ हो और उनके परावैद्युतांक भी भिन्न हो, तो परावैद्युतांक हम मान ले रहे हैं कि के वन के टू है ना के थ्री, इस तरह से ये परावैद्युतांक, इस परावैद्युतांक के पदार्थ और जिनकी मोटाइयाँ ये परावैद्युत पट्टी, ये परावैद्युत पट्टी है और जिनकी मोटाइयाँ क्या हैं, जो K1 परावैद्युतांक वाला है इसकी मोटाई T1 है, ऐसे ये T2 है, ऐसे ये T3 है, और पूरा प्लेटों के बीच में ऐसे तमाम पतली पतली पट्टियाँ ये रखी हुई हैं और ये इनकी मोटाइयाँ हैं, ये इनकी मोटाइयाँ हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस वैल्यू को रखेंगे, अब इसको हम यहाँ रखते हैं तो देखिए हमको क्या मिलेगा, C की वैल्यू हो गई, C बराबर हो गया हमारा एप्साइलन जीरो ए बाई, अब D हो गया, D हो गया और प्लस यहाँ देखिए वन बाई आपका K है, तो वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू प्लस वन बाई के थ्री, इस तरह से ये होगा, और इसको हम लिख सकते हैं टी बाई के, तो टी बाई के का मतलब देखिए यही वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे, सी इक्वल्स टू बी एप्साइलन जीरो ए बाई कर दें डी और डी माइनस टी कर दें, डी माइनस टी एक साथ कर दें और प्लस कर दें टी बाई के, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो
ऐसे लिखने पर हमको यहाँ बहुत सुविधा है, क्या कर दें ये देखिए, डी माइनस और टी, जो टी मोटाई है ये ऐसे पट्टियों में बटा हुआ है, कैसे, टी वन प्लस टी टू और प्लस टी थ्री, ये प्लस एंड सो ऑन, ये ऐसे है और प्लस टी बाई के है, तो प्लस टी बाई के का मतलब हो गया टी वन बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू और प्लस टी थ्री बाई के थ्री और प्लस एंड सो ऑन। अब एक चीज़ इसमें ये देखना है, जब पूरी पट्टियों को इस डी मोटाई में रख दिया गया है तो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री जितनी भी पट्टियाँ होंगी सबकी मोटाई कितनी होगी, डी के बराबर होगी। तो यहाँ ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि ये जो डी की वैल्यू है ये टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस एंड सो ऑन, इसके ये पूरे बराबर होगा, इसका मतलब ये वैल्यू हमारी हो गई शून्य। और ये जब शून्य हो गया तो सी का मान क्या आएगा, एप्साइलन ज़ीरो ए बाई ये आपका टी वन बाई के वन और प्लस टी टू बाई के टू और प्लस टी थ्री बाई के थ्री और प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से जितनी पट्टियाँ होंगी इस तरह से होगा। और वैद्युत धारिता का मात्र क्या है, फैरड। तो इस तरह से हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, जबकि उनके बीच टी मोटाई की ये वैद्युत पट्टी रखी हुई हो, हम सी की वैल्यू एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी प्लस वन बाई के माइनस वन इंटू टी, या इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, सी इक्वल्स टू भी एप्सिलॉन जीरो, ये आप देख लीजिए इस फॉर्म में हम लिख देंगे, एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये इसका डेरिवेशन है। और चारों ये आपके कंडीशन हो गए, जब प्लेटों के बीच पूरा परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है तो C इक्वल्स टू बी के एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी, जब प्लेटों के बीच केवल वायु या निर्वात होगा तो C इक्वल्स टू बी एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी, और जब प्लेटों के बीच T मोटाई के धातु की पट्टी होगी तो धातु की पट्टी के लिए K का मान इनफाइनाइट होता है, एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी माइनस टी होगा, और जब T मोटाई की जो पट्टी है ये तमाम पतली पतली पट्टियों में हो और पूरे प्लेटों के बीच में हो तो ये T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन, इसका मान इस पूरी मोटाई के बराबर हो जाएगा, और T1 मोटाई का परावैद्युतांक K1, T2 मोटाई की पट्टी का परावैद्युतांक K2, T3 मोटाई की पट्टी का परावैद्युतांक K3, तो इनकी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये वैल्यू हमारी शून्य हो जाएगी। इस तरह से एप्सिलॉन जीरो ए बाई टी वन बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू प्लस टी थ्री बाई के थ्री होगा। अब इस पर हम आइए कुछ न्यूमेरिकल भी जान लेते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। यह हमारा पहला न्यूमेरिकल है, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य की दूरी हवा होने पर, धारिता कितनी है, 6 माइक्रोफेरेड है। तो जब हवा होता है तो हम धारिता को किससे लिखते हैं, C0 से लिखते हैं। तो C0 बराबर क्या हो गया, एप्साइलन जीरो ए बाई डी, वायु होने पर, ये आप लिखिएगा हिंदी में, हम आपको यहाँ बिल्कुल समझा दे रहे हैं कि जब प्लेटों के मध्य हवा है तो उस समय धारिता कितनी है आपकी, 6 माइक्रोफेरेड, ये वायु होने पर है। यदि प्लेटों के बीच d बाई थ्री मोटाई का एक परावैद्युतांक की परत रख देते हैं तो धारिता कितनी हो जाएगी, जबकि परत के पदार्थ का परावैद्युतांक 4 है, मतलब ये आपको दिया गया है, k का मान आपको 4 दिया गया है, और t का मान कितना दिया गया है, d बाई थ्री दिया गया है। तो जब परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो धारिता कितनी होगी, C बराबर एप्साइलन जीरो ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, आप एप्साइलन जीरो ए बाई डी का मान यहाँ दिया गया है, चलिए ये हम लिखते हैं,
एप्साइलन जीरो ए बाई डी माइनस टी का मान कितना दिया गया है डी बाई थ्री, तो ये डी बाई थ्री हमने लिख दिया, ये मान दिया गया है, और प्लस फिर टी का मान दिया गया है डी बाई थ्री, तो चलिए डी बाई थ्री लिख दिया, और बाई के, तो बाई के का मान कितना दिया गया है फोर दिया गया है, के का मान फोर हो गया, तो फोर को हम फोर बाई वन भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा सरल करते हैं, एप्साइलन जीरो ए बाई ये हो गया डी माइनस ये हो गया डी बाई थ्री, वन ये ऊपर चला गया और फोर और थ्री एक साथ हो गया, तो प्लस डी बाई हो गया ट्वेल्व। थोड़ा सा इसको और सरल करते हैं, ये हुआ हमारा एप्साइलन जीरो ए बाई डी कॉमन कर लेते हैं और एलसीएम हो गया इसका ट्वेल्व, तो यहाँ वन बचेगा तो वन का ट्वेल्व में मल्टीप्लाई हो गया ट्वेल्व, तीन चौक बारह, यहाँ फोर हो गया और प्लस यहाँ वन हो गया। अब इसको हम लोग सरल कर लेते हैं, एप्साइलन जीरो ए बाई डी, देखिए यहाँ से एप्साइलन जीरो ए बाई डी कितना है 6 माइक्रोफेरेड, तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कितना 6 माइक्रोफेरेड, ये हो गया बाई 12 और एक 13 और 13 में से 4 निकाल दीजिए 9 हो गया, और ये 9/12 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सरल कर लेते हैं, 3 3 9 हो गया और 3 4 12 हो गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 2 6 हम ये कैंसिल कर सकते हैं, 4 ऊपर चला गया, 4 2 8 8 माइक्रो फैरड। तो बहुत आसानी के साथ हम लोग इसको समझ सकते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य जब वायु है तो 6 माइक्रोफेरेड इसकी धारिता दी गई है, तो C0 हमने लिख दिया एप्साइलन जीरो ए बाई डी 6 माइक्रोफेरेड, और परावैद्युतांक K का मान दिया गया है 4, मोटाई दी गई है T का मान D बाई थ्री। अब इस मोटाई पर धारिता कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है, तो C बराबर हो गया, सूत्र लगा देते हैं, एप्साइलन जीरो ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और K और T का आप मान रख दीजिए, एप्साइलन जीरो ए बाई डी की जगह पे सीधे 6 का प्रयोग करिए, सरल कर दीजिए, 8 माइक्रोफेरेड आ जाएगा आपका धारिता। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, समांतर पट संधारित्र के प्लेटों को एक निश्चित विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। अब एक परावैद्युत पदार्थ की 3 मिलीमीटर मोटी प्लेट को समांतर प्लेटों के मध्य रख देते हैं, प्लेटों के मध्य विभवांतर पूर्व के मान के बराबर बनाए रखने के लिए समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2.4 मिलीमीटर बढ़ानी पड़ती है। परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, यहाँ परावैद्युतांक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वायु है, ठीक है, तो वायु होने पर धारिता आपकी हो गई C0, C0 कितना हो गया एप्साइलन जीरो ए बाई डी हो गया, ये वायु होने पर आप लिख सकते हैं प्लेटों के बीच वायु होने पर। अब देखिए अब प्लेटों के बीच 3 मिलीमीटर मोटी एक पट्टी डाल दी जा रही है, और विभवांतर को बनाए रखने के लिए समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2.4 मिलीमीटर बढ़ानी पड़ती है। अब देखिए टी का मान कितना है 3 मिलीमीटर है ये, और प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ानी पड़ती है, तो मान लेते हैं कि दूरी बढ़ाने पर प्लेटों के बीच की दूरी हो गई
डी डी डैस मान लेते हैं। दूरी बढ़ाने पर प्लेटों के बीच की दूरी अगर डी डैस हो गई तो डी डैस माइनस डी, डी पहले से था और दूरी हमने बढ़ा दिया, और कितना दूरी बढ़ा रहे हैं 2.4 मिलीमीटर, तो ये दूरी हमारी 2.4 मिलीमीटर होगा। अब देखते हैं तो धारिता कितनी होगी। C इक्वल्स टू बी, ये सूत्र लिखा हुआ है, एप्साइलन जीरो ए बाई डी माइनस टी और प्लस टी बाई के। तो ये तो तब होगा जब हम टी मोटाई का इसमें कोई परावैद्युत प्लेट डाले। अब परावैद्युत प्लेट डालने पर क्या होता है कि समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2.4 मिलीमीटर बढ़ानी पड़ती है। तो अब मान लेते हैं कि यदि दूरी हम डी डैश कर लेते हैं तो यही जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी, एप्साइलन जीरो ए बाई डी डैश, एप्साइलन जीरो ए बाई डी डैश। अब इसी को हम लोग सरल करते हैं। देखिए इन दोनों इक्वेशन में, इन दोनों साइड्स में आपका एप्साइलन जीरो ए कैंसिल हो जाएगा, तो एप्साइलन जीरो ए कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ से क्या बचेगा, देखिए 1 बाई डी माइनस, माइनस अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो आपका ये 1 हो गया और माइनस 1 बाई के हो गया, यहाँ से टी कॉमन कर लेते हैं और ये बराबर हो जाएगा 1 बाई डी डैश। या यहाँ से देखते हैं ये वैल्यू, डी माइनस, या ऐसे कर लेते हैं डी डैश हमको चाहिए ही, तो डी डैश बराबर, इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, डी डैश बराबर डी माइनस 1 माइनस 1 बाई के इंटू टी। अब इस डी डैश डी को इधर ले आते हैं, डी डैश माइनस डी ये बराबर हो गया माइनस 1 माइनस 1 बाई के और इंटू टी। डी डैश माइनस डी और बाई टी ये वैल्यू हो गई, माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 1 बाई के और माइनस 1 हो गया, 1 बाई के माइनस 1 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं 1 बाई के और माइनस 1 ये बराबर डी डैश माइनस डी की ये वैल्यू हम 2.4 मिलीमीटर लिख देते हैं, बाई टी की वैल्यू 3 मिलीमीटर आपको दी गई है तो ये 3 मिलीमीटर हमने लिख दिया। मिलीमीटर से आपका मिलीमीटर कैंसिल हो गया और 3 8 24.8 हो गया। यहाँ से हम 1 बाई के लिखना चाहें तो ये 1 राइट साइड में ले जाएंगे तो 1 हो गया और ये वैल्यू हमारी हो गई प्लस 0.8। एक मिनट देखते हैं, यहाँ से डी की वैल्यू यहाँ ले आए, माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 1 माइनस हो गया और ये आपका 1 बाई के आपका पॉजिटिव हो गया तो ठीक है। और डी माइनस डी डैश माइनस डी, डी डैश माइनस डी की वैल्यू ये हो गई 2.4, चौड़ाई बढ़ा दी गई तो ये वैल्यू हो गई हमारी 1 प्लस 0.8। यहाँ देखा था कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जा रही है, तो बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि पट्टी को रखने पर प्लेटों के बीच की दूरी हमको बढ़ानी पड़ी, ये हम डी डैश ले लें।
और ये जब बढ़ाते हैं प्लेटों के बीच की दूरी, तो धारिता ये वायु जब प्लेटों के बीच में थी तब की धारिता के ये बराबर हो जाता है। तो वास्तव में डी डैश हमारा ये होगा, सी का मान एप्साइलन जीरो ए बाई डी डैश माइनस टी और प्लस टी बाई के होगा। तो ये यहाँ हम डी डैश लिखेंगे और ये वैल्यू हम डी लिखेंगे। अब आप देखिए यहाँ से हो गया हमारा ये डी बराबर डी डैश माइनस टी, और अब यहाँ से हमारा डी डैश माइनस डी होगा, ये माइनस नहीं आएगा। जब आपका ये माइनस नहीं आएगा तो आपकी ये वैल्यू हो गई वन माइनस वन बाई के, और ये हुआ आपका वन माइनस वन बाई के। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, वन बाई के का मतलब हो गया वन माइनस पॉइंट एट। वन माइनस पॉइंट एट हो गया आपका 0.2, और 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए 2 और इस पॉइंट को हटाइए, ये हो गया 10, ये हो गया 1/5। 1/5 का मतलब क्या हो गया, देखिए ऊपर एक नीचे k का मान 5, तो k का मान कितना हो गया 5। इसका मतलब ये हुआ परावैद्युतांक का मात्रक नहीं होता है। तो ये आपको यही ज्ञात करना था कि परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना होगा, 5 होगा। क्या करना रहेगा इसमें, जब वायु है तो C0 का मान एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, मोटाई आपको दी गई है 3 मिलीमीटर, और जब पट्टी डालते हैं तो पहले के बराबर धारिता लाने के लिए प्लेटों को खिसकाना पड़ता है, कितना 2.4 मिलीमीटर। इसका मतलब अब प्लेटों के बीच की दूरी अगर डी डैश कर दिया गया तो डी डैश माइनस डी कितना हो गया, 2.4 मिलीमीटर। तो जो पट्टी को हमने खिसकाया वो डी डैश हो गया, तो सी का वैल्यू हो गया एप्साइलन 0 ए बाई डी डैश माइनस टी प्लस टी बाई के, और ये एप्साइलन 0 ए बाई डी ये प्लेटों के बीच वायु होने पर धारिता के बराबर हो गया। और इस तरह से इसकी वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं और के की वैल्यू हमारी 5 आती है। अगला देखते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 50 पीको फैरेड व प्लेटों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है। तो ये देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, C0 मान लेते हैं, जब प्लेटों के बीच में वायु है C0 हो गया। C0 हो गया हमारा एप्साइलन 0 ए बाई डी, एप्साइलन 0 ए बाई डी, और ये वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, 50 पीको फैरेड। पीको फैरेड का मतलब ये हो गया 50, एक पीको फैरेड मतलब 10^-12 फैरेड, ये वैल्यू हमको दी गई है। और प्लेटों के बीच की दूरी मतलब डी दिया गया है 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर का मतलब हो गया 4×10^-3 मीटर, मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए इसे बैटरी द्वारा 200 वोल्ट तक आवेशित करके बैटरी को हटा लिया जाता है, 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया और बैटरी को हटा लिया गया। फिर प्लेटों के बीच 2 मिलीमीटर मोटी ये परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रख देते हैं, 200 वोल्ट तक इसको आवेशित किया गया, V आपका 200 वोल्ट हो गया, और T हो गया हमारा 2 मिलीमीटर एक हमने पट्टी रख दी, तो ये हो गया 2×10^-3 मीटर, और K माध्यम का परावैद्युतांक आपका हो गया ये 4। अच्छा अब देखिए हमें प्रत्येक प्लेट पर अंतिम आवेश ज्ञात करना है। पहला आपका क्या हो गया, प्रत्येक प्लेट पर अंतिम आवेश, तो Q बराबर क्या हो गया, C0V0। Q बराबर हो गया C0V0। वोल्टेज कितना दिया जा रहा है, 200 वोल्ट। यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, V0 हमारा हो गया
200 वोल्ट हम बैटरी से दे करके और फिर बैटरी को हटा लेते हैं। तो बैटरी हटा लेने का मतलब ये हुआ कि अब आवेश जो है ये C0V0 रह जाएगा। तो C0 का मतलब कितना हो गया, 50 × 10⁻¹² फैरड, और × V0 का मतलब हो गया 200 वोल्ट। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 10 हो गया और 30 ये हो गया आपका, और × 10⁻¹² हो गया। तो कितना हो गया, 10⁻¹³¹¹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 
हमारा। इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, सेकंड है। तो ये तो प्रत्येक प्लेट पर अंतिम आवेश हो गया 10^-8 कूलाम। प्लेटों के बीच अंतिम विभवांतर, तो अंतिम विभवांतर का मतलब हो गया जैसे अब बैटरी हटा लिया गया तो आवेश समान होगा। आवेश जो होगा वो C0V0 होगा, और जब हमने पट्टी डाली उस समय धारिता C हो गया और वोल्टेज सपोज कर लेते हैं V हो गया। तो अब ये देखते हैं, यहाँ से हमको V का मान ज्ञात करना है। तो C0 का मान ये हो गया हमारा, चलिए अभी ऐसे लिख दे रहे हैं, C0V0 और बाई V हमें ज्ञात करना, प्लेटों के बीच अंतिम विभवांतर मतलब V ज्ञात करना है, तो बाई ये C हो गया। चलिए C0 का मान हो गया ε0A/d, V0 का मान हो गया हमारा 200 वोल्ट, ये 200 वोल्ट हो गया होल डिवाइडेड। C का मान हो गया हमारा ε0A/d-t और +t/k, ये मान हुआ। इसका मान हमको दिया नहीं गया है, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो आइए देखते हैं, ε0A ये कैंसिल हो गया और ये बराबर हो गया, आप देखिए 1/d, और d का मान हमको कितना दिया गया है अभी रहने देते हैं, अभी वैल्यू रख लेते हैं 1/d, और ये इंटू 200 है तो 200/d हमने कर लिया। y यहाँ से 1 आया, 1/ यहाँ हम कर लेते हैं d-t और +t/k, और k का मान है हमारा 4, k का मान ये 4 रख लेते हैं, इसको सरल कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 200/d और /1/, ये हो गया हमारा 4d और माइनस, ये आप देखिए -4t और +t और होल डिवाइडेड आपका 4 हो गया। थोड़ा सा और सरल करते हैं, 200/d और ये ऊपर चला गया, तो ये हो गया आपका 4/4d-3t, 4d-3t हो गया। थोड़ा सा सरल करते हैं, यहाँ आइए देखते हैं, ये हो गया हमारा 200 और ये हो गया 4d-3t और बाई, बीच वाला दोनों ये एक साथ हो गया 4d हो गया, ये हो गया 4 और d, 4 से इसको ना हो कैंसिल कर दें, 4×5=20, ये हो गया 50। और अब मान रख लेते हैं 4, तो d का सब मिलीमीटर में ही रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी मिलीमीटर वैल्यू है, यहाँ मिलीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 हो गया, d की वैल्यू हो गई हमारी 4 मिलीमीटर, लिख देते हैं 4-3 और ये 2 मिलीमीटर है तो × 2, ये वैल्यू आपकी मिलीमीटर में आई। अगर सारी वैल्यू इस तरह मिलीमीटर में ना कैंसिल हो तो उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और d की वैल्यू हो गई 4
मिलीमीटर, तो 4 ये आपका मिलीमीटर हो गया, मिलीमीटर से आपका मिलीमीटर कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारा 50, 4 चौका 16, 3 दूनी 6, यहाँ हमारा 6 होना चाहिए था, 6 होगा, और 16 माइनस 6 ये होगा हमारा 10, और 2 दूना 4 और 2 पचे 10, और 2 से इसको कैंसिल कर दें तो हो गया 25, और 25 पंचे कितना हो गया 125 वोल्ट। तो ये कितना आएगा दूसरा वाला, प्लेटों के बीच अंतिम विभवांतर, अंतिम विभवांतर कितना हो गया 125 वोल्ट। तीसरा देखते हैं, संधारित्र में अंतिम ऊर्जा, यहाँ लिख दे रहे हैं तीसरा पॉइंट, अंतिम ऊर्जा का मतलब यू, यू का मतलब हो गया हमारा हाफ क्यू बी, क्यू भी मालूम है हमको, वी भी मालूम है, तो क्यू वी प्रारंभ में, प्रारंभ में हमारा वोल्टेज आपका 0 200 वोल्ट था, लेकिन अब वोल्टेज कितना हो गया वी हमारा 125 वोल्ट हो गया, तो अंतिम में तो क्यू वी 0 हमको चाहिए, तो क्यू वी 0 हमारा कितना हो गया हाफ, क्यू का मतलब हो गया 10^-8 हमारा ये निकला ही है, तो इंटू 10^-8, और वोल्टेज हमारा कितना है 125 वोल्ट। तो 2 से इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये आपका हो गया 2 छक 12 और 1 2 छक 12 हो गया, और 2 दूना 4 और 2 पचे 10, ये कितना हो गया, इसको हम अगर लिखना चाहें तो 6.25 लेफ्ट गया, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज जुड़ जाएगा, तो इंटू 10^-7 ये जूल हो गया, कितना हो गया यू की वैल्यू हाफ क्यू बी से हम निकाल लेते हैं, केवल वैल्यू रख करके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6.25 × 10^-7 जूल हो गया। और चौथा हमको ऊर्जा हानि ज्ञात करना है, तो ऊर्जा हानि क्या होगा, ऊर्जा हानि का मतलब ये हुआ कि U माइनस U ज़ीरो या U ज़ीरो माइनस U अंतिम में हमारा कम हो जा रहा है, तो U ज़ीरो माइनस U, U ज़ीरो का मतलब हो गया हाफ क्यू वी ज़ीरो और माइनस हाफ ये आपका क्यू वी हो गया, तो इस तरह हम देखते हैं हाफ Q और V ज़ीरो माइनस V, ये हो गया हाफ और Q की वैल्यू हो गई 10^-8, V ज़ीरो है हमारा 200 वोल्ट, ये 200 वोल्ट दिया गया था, ये देखिए 200 वोल्ट आवेशित किया गया था और अंतिम में अब आवेश 200 वोल्ट दे करके और अंतिम में हम लोगों ने आवेश 125 वोल्ट प्राप्त किया, तो माइनस ये 125 हो गया, कितना हो गया ये घटा दीजिए आपका हो गया 75 बटा 2 इंटू 10^-8 भाग दे दीजिए, 2 3 6 और 2 7 14 1 15 2 5 10 इंटू 10^-8, फिर हम इसको लिख सकते हैं 3.75 इंटू 10^-7 जूल। तो इस तरह से हम इस पर बहुत आसानी के साथ न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। जो हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता थी C=B ε₀ A/D, अगर हम कोई परावर्तित पट्टी डालते हैं तो C=K ε₀ A/D, और जब उसमें हम कोई T मोटाई की पट्टी डालते हैं तो C=κ ε₀ a/t - t (t)/K, और इस पर बेस्ड हम लोगों ने न्यूमेरिकल जाना। धन्यवाद।